जी क्या नाम है आपका? फरहसन। फरहा जी ये बताइए कि ये जो धार्मिक स्थलों पे रील्स बनाने लगी महिलाएं, कई जगह ऐसी जहाँ बैन कर दिया गया महिलाओं की एंट्री को, कैसे देखते हैं इस पे? बहुत अच्छा फैसला लिया है, होना ही नहीं चाहिए, मतलब नहीं बनाना चाहिए धार्मिक स्थलों पे जाकर यूँ रील्स बनाना, गलत बात है। अब पता नहीं कोई उसको किस तरह से देखता है, कोई अच्छा भी देख रहा है बुरा भी देख रहा है, और अगर मैं देखूँ तो धार्मिक स्थल पर ना जाना चाहिए और इस तरह की रील नहीं बनाना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को देखा है हमने, हाँ नहीं बना जाती है, नहीं 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 बनाना चाहिए, शरीयत में ही नहीं है हमारी, सही बात है, बनाना चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? नफीसा भी। नफीसा भी आप ये बताइए कि ये जो रील्स आजकल जो बनाने लगी है ना महिलाएं, धार्मिक स्थलों पे भी आ रही है, चाहे जी हाँ मुस्लिम का हो, हाँ जगह महिलाओं को बैन कर दिया गया कि यहाँ नहीं होना, तो कैसे देखते हैं इस पे? नहीं नहीं किसी महिलाओं को कहीं भी ना मंदिर में होना चाहिए, न मस्जिद में, ना कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े करवाती हैं धर्म के, उससे कहीं भी नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचे। हिंदू मुसलमान हर जगह लगा के रखा है, पहले भी कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और ना अब होना चाहिए। आपत्ति किस बात से रहती है जो महिलाएं वहां पर? हाँ तो कुछ करती हाँ नहीं ये सब उस पर अच्छा है, नहीं होना चाहिए, हाँ गलत काम है और क्या, हर कहीं ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, महिलाएं अपनी जगह पर रहें, मतलब ये ना करें कभी, हाँ बस वही हो, इबादत हो सब यही हो, बस ये मोबाइल ना चलाएं वहाँ जाके, ना बात ना दे फोटो बनाए, ना ये बनाए, ना ये कुछ ना करें, ये महिलाएं आने की अनुमति और औरतों को वैसे भी नहीं, हमारे यहाँ ना मस्जिद में है ना दरगाहों पे है, नहीं है, वैसे भी नहीं जाती हूँ तो शिर्क माना जाता है, नहीं जाना चाहिए औरतों को भी, ना मूवी बनाए ना जाए वहाँ पे, अपने घर में इबादत करें ना, जो इबादत दी है वो करें घर के अंदर। जी हाँ आप ये बताएं जो रील्स बन रही हैं, कई जगह महिलाएं जो है रील्स बनाती हैं, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर महिलाओं को बैन कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर तो आपको नहीं होगा इस तरह से रील बनना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बैन होना चाहिए ये तो, और अभी से नहीं बहुत पहले होना चाहिए, ये पहले से ढील दे के रखी है जब भी तो बन रहा है ये, और ये हिंदू बहने हो या मुसलमान बहने हो उनको ये चीज़ें इस जगह पे नहीं बनाना चाहिए, चाहे कहीं भी कुछ भी बनाए मस्जिद मंदिर में नहीं बनाना चाहिए, ये फैसला बहुत अच्छा है। बेहयाई होती है, कोई कुछ भी बोल लिया कुछ भी पहन के जा रही है, मतलब मंदिर हो या मस्जिद हो कोई कुछ भी पहन लेता है चला जाता है वीडियो के चक्कर में, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बैन होना, और सऊदी में भी बैन होना चाहिए, ये वहाँ भी बनती हैं ये चीज़ें, वहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए, जब अपने इस्लाम में नहीं है तो वहाँ नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ हिंदुस्तान में फ़र्क पड़ेगा बहुत चीज़ों का, तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ें बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। अंसारी साहब, अंसारी साहब ये जो महिलाएं रील्स बना रही हैं जी, आजकल चलने लगा है, उसमें किसी का भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पर रील्स बनाने, कई जगह ऐसी है जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश बंद कर दिया गया जी जी, फैसले को कैसा देखा? अब ये है कि धार्मिक स्थल चाहे वो हमारा मजहब हो चाहे किसी और का मजहब हो, किसी के मजहब पर रील बनाना या किसी के मज़हब को बुरा भला कहना, ये हमारे इस्लाम में भी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ना इसको बनाना चाहिए। महिलाएं आजकल कुछ गाने जो आते हैं बॉलीवुड के जी, उस जी। पर बनाने लगती हैं कई धार्मिक स्थलों पर, कई बार जी हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत बात है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और ये धार्मिक स्थलों पर जो महिलाएं और उनको फिर बैन ही कर देना उनका प्रवेश, उस फैसले को कैसे देखते हैं? उस फैसले को बिल्कुल सही नहीं है वो फैसला भी, इस तरीके से जो अच्छे लोग हैं वो भी पीछे हट जाते हैं लोग बुरे लोगों की तरफ से, अच्छे लोग होते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छे लोगों को वो कर रहे होते हैं, तो उसके वजह से बुरे लोग की वजह से उनका भी नाम सही नहीं हो पाता, इसलिए इस तरह नहीं करना चाहिए, बस यही कहना है मेरा उसके अलावा।